वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ अल्लाहू अकबर। बानो हमले के लिए तैयार हो? जी जनाब। स्लो भी कर दो। आतंकियों ने सेना के 12 ब्रिगेड के इस कैंप पर हमला किया। आतंकी इस तरह की कटीली तारों को काटकर अंदर दाखिल हुए थे। कैंप के 3 तरफ से इस तरह का नाला है जिसे पार कर आतंकी यहां पहुंचे और फिर दीवार के ऊपर लगी कटीली तारों को काटकर अंदर घुस गए। सुबह करीब 5 बजे का वक्त जब कैंप के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में घुसते ही आतंकियों ने पहले 3 मिनट में 17 ग्रेनेड फेंके और फिर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे था। लेकिन उरी की कहानी को कहीं और दोहराने से रोकना है। जिन्होंने उरी को अंजाम दिया उनसे बदला लेना है। जय हिंद जनाब। जय हिंद जनाब। इन पाकिस्तानी आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ये अपनी टूची हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इनका कुछ करना पड़ेगा। सर के ऊपर के पानी जा चुका है। सही कहा आपने मेजर। जी जनाब। हाँ तो निकालो कोई तरकीब। जी हल है। सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा इन पे। सर्जिकल स्ट्राइक गारंटेड पास। जी जनाब। ओके जनाब। सर्जिकल स्ट्राइक के बिना नहीं मानेंगे सर। ये इस मिशन के लिए आपको पूरी छूट दी जाती है। ओके सर। आर्मी क्या है? आर्मी है देश की सेवा करना। नहीं, आर्मी एक मौत है। जो मौत को गले लगाते वो आर्मी कहलाते हैं। आर्मी क्या है?
आर्मी है मौत मौत मौत। ये लड़ाई एक मिसाल होगी, ये लड़ाई हमारे जोश और जुनून की मिसाल होगी, ताकि हर आतंकवादी हमारे देश पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे, उसकी रूह तक कांप जाएगी। यस सर। रेडियो। यस सर। हाउ द जोश। यस सर। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेट्स गो। चलो सर। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा। का बॉर्डर आ चुका है, हमें सफलतापूर्वक मैंने सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना पड़ेगा। यस सर। ठीक है। मैं तेरा परिंदा है अर्जी दीवाने की, जहां बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे। हमारा मिशन कामयाब हो चुका है और अब हम जश्न की तैयारी करेंगे। हमने उस भारत की चोटी पर आग लगा दी है और अपने सभी बंदे आ रहे हैं, वहां पे चलेंगे हम। ठीक है। हमारा मिशन कामयाब हो चुका है और हमने हिंदुस्तानियों को इतनी गहरी चोट दी है कि वह कभी भी बुला नहीं सकते। ठीक है, तो इसी बात पर जश्न हो। फूल जिगर आतिल हर नजर, एक माह जबी एक नूर नगी, रब की रुबाई क्या है तबाही, गर्दन सुराही बोली इलाही, अफगान जलेबी माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भैया भैया। Yes.
मजबूत माना जाता है पाकिस्तान आतंकवादी का। जब तक हमारे शरीर में एक बूंद सांस की हमें जी जान से लड़ाई करनी है। यस सर। हम सभी को वापस जिंदा आना और उन जमुन को मौत की घाट उतार कर वापस आना। यस सर। रेडी? यस सर। अभी हमारा टारगेट वो वाला जो पीछे वाले थे। बाकी निपटा दिए हैं, पहले फर्स्ट वाला फिर सेकंड वाला। वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे 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 मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे। फूंक डालो दुश्मनों को, काट डालो इन सरों को, आज अपने खून से हम धोएंगे तेरे चरण। मां तुझे प्रणाम। चिंगारी से जुनू तक रह जाना, हर कतरा बोल रहा।
लड़ जाना मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा घेर लिया, अगर कोई भी चलाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें गोली से भून दिया जाएगा। बताओ तुम्हारा अगला मिशन क्या है? हम 15 अगस्त को तुम्हारी मुल्क की बुनियाद तक गिरा देंगे। जिस मुल्क की तुम बुनियाद गिराने की बात कर रहे हो, तुम्हारे मुल्क की बुनियाद उसी मुल्क की बुनियाद पर टिकी हुई है। शुक्र करो हिंदुस्तानियों ने तुम्हें खड़ा होने के लिए जमीन दी है। दी हुई जमीन पर चैनों उम्र से रहना सीखो। एजार जो भंग होगा तुम्हारा आतंकवाद जिहाद अब कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान जमीन दे सकता है तो जमीन ले सकता है। शुक्र मनाओ कि वो दिन कभी नहीं आया। अगर वो दिन आ गया तो माफ कर तुम्हारे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। रही बात 15 अगस्त की, तो वो मौका हम तुम्हें कभी नहीं देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलय जशीतलां।